तो गाइस यार हम आए हुए हैं काली पूजा 2023 चाईवासा में। जी हाँ, और ये जो काली पूजा है ना, ये काली पूजा का आयोजन संपूर्ण तरीके से श्री श्री मुन्नू ठाकुर जी के कंधों पर रहता है। और ये जो काली पूजा होता है ना, बहुत ही भव्य होता है। जी हाँ, ये देखिए यहाँ पे गंगा आरती चल रहा है, देखिए। एक्चुअली आज काली पूजा से एक दिन पहले की रात है, फिर भी देखिए कुछ इस कदर डेकोरेशन, तो सोचिए काली पूजा की रात कैसा रहने वाला है, आई मीन टू से दिवाली की रात। ये जो फुटेज है ये दिवाली से एक दिन पहले की है, सो इसीलिए थोड़ा बहुत खाली खाली आपको दिख रहा होगा। दिवाली की रात में तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पे पैर रखने का जगह नहीं बनता। और ये भी मैं बता दूं कि ये जो फुटेज है ये मैंने देर रात निकाला है। ये रहा अपना पंडाल, मुन्नू ठाकुर जी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, बहुत ही भव्य बनवाते हैं, डेकोरेशन पे तो आई सपोज लाखों खर्चा कर देते हैं। ये देखिए ये लोग गंगा आरती कर रहे थे, और अंदर अभी कुछ और रिलीजियस सेरेमनी होने वाला है, अंदर चलते हैं। अंदर की कलाकृति देखिए भाई, जबरदस्त लाजवाब, लोग फोटो शोटो खिंचवा रहे थे अंदर। जी हाँ, ये देखिए, मुझे पता था कि दिवाली की रोज यहाँ पे तो पैर रखना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हमने एक दिन पहले ही विजिट कर लिया। ये देखिए देवी माँ, और बैकग्राउंड में मैं आपको बता दूँ कुमार सानू का श्यामा संगीत चल रहा है, श्यामा यानी कि देवी काली माँ। देवी का आराधना चल रहा है, नमन कर लीजिए। डेकोरेशन तो मैं क्या ही बताऊं। बहुत खूबसूरत भाई ये एंट्री। और एक्चुअली मैं ना फुटेज क्या लूं, मुझे तो बस मैं डेकोरेशन में खो सा जा रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था। इतने बड़े बड़े पंडाल जमशेदपुर वगैरह के भी मैंने देख रखा है, लेकिन ऐसा मतलब ये तो मतलब बहुत ही लाजवाब। और ये रहा लाइटिंग देखिए, चलिए लाइटिंग का सैर किया जाए। मैं आपको बता दूँ ये लाइटिंग का सैर करने में ही आपको 5 मिनट लग जाने वाला है, उससे ज़्यादा अगर आप पैदल चलते हैं तो उससे भी ज़्यादा। ये देखिए ये लोग कुछ कुछ थीम बेस कुछ करते हैं, यहाँ पे अलग अलग जगह पे ऐसा आपको दिखने वाला है, कुछ एक थीम के ऊपर एक कॉन्सेप्ट बेस्ड लाइटिंग देते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी कुछ एक अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर लाइटिंग। जहाँ तक मुझे प्रतीत हो रहा है, ये सारे रिलीजन को एक समान नज़रिए से देखने के लिए ये है इनका कॉन्सेप्ट इस लाइटिंग के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ मैं बता दूँ,
अलग अलग जगह पे ना डिस्प्ले लगा हुआ है, एलईडी डिस्प्ले, जहाँ पे दो तीन जगह पे जो ऑर्केस्ट्रा लगी हुई है उसका प्रोजेक्शन किया जा रहा है। जी हाँ, मैं बता दूँ, ये देखिए एलईडी डिस्प्ले के ऊपर ऑर्केस्ट्रा का प्रोजेक्शन किया जा रहा है, लाइव ऑर्केस्ट्रा चल रहा है। ये देखिए वहाँ पे, यहाँ पे लाइव ऑर्केस्ट्रा चल रहा है और उसी का प्रोजेक्शन चल रहा है। तो ये जो ऑर्केस्ट्रा है कई जगह, दो तीन जगह पे चल रहा है। ये सारा चीज़ मुन्नू ठाकुर जी ही आयोजित करवाते हैं, बहुत ही बड़े पैमाने पे किया जाता है यहाँ का पूजा। मैं बता दूँ, ये आमला टोला का दुर्गा, आमला टोला का काली पूजा है। ये देखिए, ये लाइटिंग देखिए क्या खूबसूरत, बच्चों का एंटरटेनमेंट के लिए ये है इसका कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ आपको लाइटिंग बेहद खूबसूरत लग रही होगी। ये लाइटिंग है, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये लाइटिंग एक्चुअली चायबासा की नहीं है, ये मुन्नू ठाकुर जी बाहर से मंगवाते हैं। हमारे चायबासा में इस तरह की लाइटिंग कहाँ से अवेलेबल होगी भाई। ये रहा मुन्नू ठाकुर जी का ऑफिस। ये देखिए एक और कॉन्सेप्ट बेस्ड, श्री गणेशाय नमः। और लाइटिंग में कुछ और रोचक तत्व, उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मुन्नू ठाकुर जी की काली पूजा का व्लॉग है बहुत पसंद आया होगा। जी हाँ, ये देखिए एक और प्रोजेक्शन चल रहा है यहाँ पे, अलग अलग जगह पे आपको ये प्रोजेक्शन मिलने वाली है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो व्लॉग है मेरा काफ़ी पसंद आया होगा, बहुत मेहनत लगती है इस तरह के फुटेजेस निकालने के लिए। ये देखिए डीजे और ताशा एक साथ। गाइज यार, एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, इससे मुझे बेहद मोटिवेशन मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी।